कुरुक्षेत्र में दौरा, करीब 3000 पुलिस कर्मियों ने संभाला सुरक्षा का जिम्मा। उड़ी बेस कैंप के पास देखे गए संदिग्ध, सर्च ऑपरेशन जारी। तो देखते हैं खबरें विस्तार से। मंगलवार को पीएम मोदी कुरुक्षेत्र में स्वच्छ शक्ति 2019 कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। सम्मेलन से पीएम मोदी देशभर को स्वच्छता का संदेश देंगे। इस कार्यक्रम के लिए 7 राज्यों से कलाकार भी बुलाए गए हैं। इस दौरे के मद्देनजर जिले सभी सीमाओं को सील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदेश के कुछ प्रोजेक्ट का भी शुभारम्भ कर सकते हैं। 12 फरवरी को प्रस्तावित स्वच्छ शक्ति सम्मेलन में पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी पहुंचेंगे। सम्मेलन ब्रह्म सरोवर किनारे मेला एशिया में होगा। इसे लेकर मुख्य सचिव डीएस डेसी ने बुधवार को दौरा किया, पिपली पैराफिट में अधिकारियों की बैठक ली। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर बीती रात एक नया मामला सामने आया। इस बार उड़ी बेस कैंप के पास के इलाकों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही देखी गई, जिसके बाद अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। बीती रात राजरवानी में सुरक्षा बलों ने उड़ी बेस कैंप के पास कुछ अजीब गतिविधियां देखी, जिसके बाद ही गोलीबारी शुरू हो गई। पूरे इलाके का घेराव करके सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस और आर्मी दोनों ही इस अभियान में एक साथ लगी हुई है। साथ ही बता दें कि सुरक्षा बल ने अभी तक किसी भी हमले की पुष्टि नहीं की है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।